सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड से भवनाथपुर प्रखंड के अरसली उत्तरी पंचायत के आदिम जनजाति के लोग चुआड़ी एवं नदी के पानी पीने पर मजबूर हैं। जहां लहराहा टोली के लोग ने बताया कि यह जल मीनार एक वर्ष पहले से ही खराब पड़ा हुआ है, जो हम लोग मुखिया से शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक नहीं बन पाया है, जो कि आदिम जनजाति के लोग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लाकर पीते हैं। वहां के लोग बताते हैं कि वोट के समय यहां पर जनप्रतिनिधि आते हैं, उसके बाद किसी का भी पता नहीं रहता। जहां ग्रामीण रामप्रीत कोरवा, अनुज कोरवा, सुरेंद्र कोरवा, अमेरिका बर्ती देवी, शुभचनी देवी, महेंद्र कोरवा, रेखा देवी, गणेश शांति देवी, सविता देवी, मोहन कोरवा ने बताया कि हम लोग गांव के लोग मुखिया एवं विधायक एवं जनप्रतिनिधियों से शिकायत की है, जहां पर बीएससी के नेता प्रखंड सचिव हीरामल भुइया उपस्थित थे। भवनाथपुर से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ये जल मीनार कब से खराब बा? 2 साल से। कहाँ से पानी आता है? चुवाड़ी नदी में। कौन गांव बा? लहरा गांव बा। नाम? रेखा कुमार। कहाँ से पानी ले ला? नदी से। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम हीरामन भुइया। हाँ, कब से ये जल मीनार खराब है? ये जल मीनार लगभग दो वर्षों से खराब है। और ये लहराहा टोला उत्तरी पंचायत में आता है, और यहाँ के आदम जाति के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। चुवाड़ी कुआं के नदी पानी पीने से मजबूर हैं। हम यही चाहेंगे कि इस जल मीनार को जल्द से जल्द चालू कराया जाए और यहाँ के लोगों को पानी पीने की सुविधा मिल सके। और विशेष रूप से यही कहना चाहेंगे कि यहाँ के वर्तमान विधायक, जिनका आवास बहुत ही नज़दीक है, उनकी कार्यकर्ता यहाँ बराबर घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन ये देख करके भी आँख मुनि कर रहे हैं जो यहाँ के लोगों की जो पानी की समस्या है, जो आज भी हमारे हर जगह पर कुआं चपा कल की व्यवस्था है और होने जल मीनार होने के बावजूद भी यह खराब पड़ा हुआ है। और यहाँ के लोग जो है पानी नदी कुआं चुवाड़ी से पीने के मजबूर हैं। और ये लोग के एक सबसे बड़े अहम चीज है जो रोड के लिए यहाँ के आदम जाति जनजाति लोग बहुत ही रोड के लिए ग्रसित हैं। हम अपील करना चाहेंगे कि यहाँ की जो वर्तमान विधायक हैं तथा यहाँ का प्रखंड स्तरीय प्रखंड विकास पता अधिकारी से भी अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये लोग के रोड की समस्या समाधान किया जाए। ये 1 वर्षों से काम चालू है जो अभी तक पूरा नहीं हो सका।